हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंटरमीट के जो ज्योमेट्री सीखी है उसमें इंटरमीट के क्वेश्चन में दो सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। तो हमने ए सेक्शन के प्लेन ज्योमेट्री जो हमारे पोर्शन में है वो सारी ज्योमेट्री हमने सीखी है, और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम अभी के वीडियो में जो इंटरमीट का बी सेक्शन होता है उसका एक क्वेश्चन होता है बी सेक्शन में सॉलिड ज्योमेट्री, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग, उसमें आपको एक एनी मेजरमेंट का रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, स्क्वेयर, हेक्सागन, सर्कल, कोई भी एक शेप दिया रहेगा, उस दिए हुए मेजरमेंट से आपको दिया हुआ शेप ड्रॉ करना है, और उसमें दिया हुआ वर्ड या टाइटल जो भी होगी वो आपको वहाँ पर उस शेप में लिखना है। तो उसका क्वेश्चन कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ड्रॉ अ 16 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर रेक्टेंगल शेप बोर्ड, शेप बोर्ड। इन द अबव रेक्टेंगल शेप बोर्ड मेक यूज ऑफ रोमन और देवनागरी एनी इंडियन स्क्रिप्ट फॉर द लेटरिंग सुटेबल टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइटल गिवन बिलो एंड कलर इट विथ कलर्स ऑफ योर चॉइस। ऐसा क्वेश्चन होता है, तो आपको ए सेक्शन दिए हुए आंसर शीट यानी ड्राइंग शीट जो आपको दी जाएगी, ए सेक्शन ए साइड में एक साइड में करना होता है और बी सेक्शन के लिए दूसरी साइड यूज करनी होती है। उसमें आपको सॉलिड ज्योमेट्री और लेटरिंग दो करना होता है। तो लेटरिंग के लिए आज उन्होंने जो वर्ड दिया है वो है कोविड-19। कोविड-19 हमें लिखना है। तो आपको बी सेक्शन में जब पहला सम करोगे उसके साइड में जहाँ भी स्पेस होगी वहाँ पर दिए हुए मेजरमेंट का रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। जैसे कि अभी आप लोगों को 16 बाय 9 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाने के लिए उन्होंने बोला है, वो आपको रेक्टेंगल दिए हुए पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। तो मैं पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। आपको पेपर में देवनागरी में या रोमन में, दोनों में से कोई भी स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, या उसके अलावा भी अगर कोई स्क्रिप्ट आपको आती है तो आप उस स्क्रिप्ट का भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम आज दोनों का मराठी में, देवनागरी में कैसा लिखा जाता है और रोमन में कैसे लिखा जाता है, दोनों हम आपको दिखाने वाले हैं। एग्जाम में भी आपको जो भी स्क्रिप्ट आती होगी उसको दिए हुए रेक्टेंगल में, दिए हुए शेप में आपको ड्रॉ करना है, लिखना है। तो मैं जो अभी उन्होंने 16 बाय 9 सेंटीमीटर का जो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ये उन्होंने बोला है शेप बोर्ड, इसलिए उसको एक थोड़ा सा आउटलाइन, आपको मार्जिन जो बोलते हैं उसको हमें देनी है। और आपके पास जो भी कलर होगा एग्जाम में, कलर का भी इसमें कोई बंधन नहीं है, आपको कोई भी मतलब ऑयल पेस्टल्स है, प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, वैक्स है, या पोस्टर कलर है, या वाटर कलर है, जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो गए उस कलर का इसमें यूज करना है। यानी कलर का भी आपको कोई भी इसमें
ऐसा बंधन नहीं है कि भाई यही कलर यूज करना है, इसे से करना है, ऐसा कोई नहीं है। आपके पास जो भी कलर होंगे उससे आपको करना है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। ए सेक्शन के लिए कुछ समय देना है और बी सेक्शन के लिए आपको कुछ समय देना है। वो आप लोगों को डिसाइड करना है कितना टाइम लगता है उस हिसाब से। ऐसे इस तरह से मैंने दिए हुए शेप के इनसाइड में आउटसाइड में रेक्टेंगल ड्रा नहीं करना है। जो भी आपको बॉर्डर लाइन देनी होगी वो शेप के इनसाइड में ही करना है। आउटसाइड में करोगे तो उसका शेप जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो जो शेप है उसको ही इनसाइड में आपको जो भी करना है उसके वो करना है। अभी मैंने बॉर्डर लाइन उसको दी है और उसमें मुझे लिखना है। आप कोई भी स्टाइल में लिख सकते हो, COVID-19 मराठी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जैसे कि हमने इंग्लिश में लिखा है COVID-19 और मराठी में भी लिखा है COVID-19। इस तरह से आप लिखने के बाद उसको आपको सुटेबल जो भी होगा वो कलर उसमें करना है। अभी मैंने जो लिखा हुआ लेटर है उसमें मैं कलर करके आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स, हमें लेटरिंग में, देवनागरी में और रोमन लिपि में कैसा लिखा जाता है या कैसा लिखना चाहिए लेटरिंग, उसका दो सैंपल मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये देखकर आप लोग घर पे इसी तरह प्रैक्टिस करोगे। अलग अलग लेटर्स के प्रैक्टिस करना है और घर पे ही ऐसे कोई भी शेप लेके उसमें आपको लिखकर देखना है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री के, सॉलिड ज्योमेट्री के और ये लेटरिंग के प्लेलिस्ट बनाई है। आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम्स और सॉलिड ज्योमेट्री के भी सारे सम्स और ये जो आज हमने लेटरिंग दिखाया उसके भी सब सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले, शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।